नमस्कार, मैं विवेक मेश्वरी आरती साड़ी से एक बार फिर आपके सामने कुछ रेडीमेड साड़ीज में कुछ और डिजाइंस लेके इसका पास से क्लोजअप ले लेना। ये देखिए रेडीमेड साड़ी है, बगैर फ्रिल की है, फ्रिल नहीं है नीचे। ये इस तरीके से रेडीमेड है, बेल्ट वाली साड़ी है, बेल्ट में हुक लगे होते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। ये इसके संग ब्लाउज है, ये कलर मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा डिफरेंट था, ना रेड है ना गाजरी है, रानी टाइप में, लेकिन इम्पोर्टेड फैब्रिक पे मैंने इस पर बना लिया। मैरून कलर का ऑफ शोल्डर ब्लाउज, पूरे में दबका और स्टोन वर्क का काम इस तरीके से। ये देखिए ब्लाउज इसमें कलर्स में कॉमन आएगा, मैं पास से क्लोजअप ले रहा हूँ, पहले क्लोजअप अच्छे से देख लीजिए। ये इस तरीके से पीछे भी है बेल्ट पे काम, ये रहा। इसमें एक तो ये कलर हो गया, एक दूसरा कलर ये इस तरीके से गाजरी कलर हो गया, और ये तीसरा रेड और दिखा दीजिए। एक बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग कह रहे हैं आपकी ऐप पर प्रोडक्ट्स नए नहीं है। सर एक बहुत बड़ा फ़र्क है, क्या ये चीज़ पुरानी हो गई? पहली बात, रोज़ नया बना रहा हूँ, सारी चीज़ें चलती नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें बिकती रहती हैं, रेड कलर बहुत सारे डिज़ाइन फेल हो जाते हैं पहली बात, और बहुत सारे डिज़ाइन कंटिन्यू चलते रहते हैं, साल साल दो दो साल बाद भी उनकी डिमांड आती रहती है, ख़त्म नहीं होते वो डिज़ाइन। मैं रोज़ बनाता हूँ, और फिर मैन्युफैक्चरिंग में और ट्रेडिंग में बहुत ज़बरदस्त डिफरेंस है। ये सर डबल क्लोथ बोलते हैं, इस पर इस तरीके से जो क्रश हुआ है, ये देखिए मैं पास से दिखा देता हूँ, ये डबल क्लोथ है, आपको ये भी नज़र आ गया होगा, इसमें हमने वेलवेट के ऊपर चेन भी लगा दी, बूटा भी दिया हुआ है इस तरीके से। और यहाँ पे ये रेडीमेड साड़ीज़ में लेके आया हूँ, रेंज का मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ, आज जो भी मैं डिज़ाइंस लेके आया हूँ 1500 से लेके 3000 रुपये तक के, एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, उससे कम के भी हैं। अब ये ब्लाउज़ देखिए, पूरे में मोती का काम है, और पीछे एक सेकंड, पहले ये इसके संग साड़ी हो गई, ये बूटा हो गया। पहले तो ये देखिए, और ये इसका ब्लाउज हो गया। रेंज कम नहीं है, रेंज तो बहुत सारी है, ये उठा के मारते रहो इधर से। तो डिजाइन तो रोज कुछ ना कुछ नया बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, सारे डिजाइन चलते नहीं है, और जो चल रहे होते हैं वो कंटिन्यू रखते हैं। बहुत सारे कस्टमर वो डिज़ाइन मांग लेते हैं जो हमें आगे कंटिन्यू नहीं करना, कि उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे शॉपकीपर्स और होलसेलर जुड़े हुए हैं, तो जो वो रिपीट करेंगे मैं वो डिज़ाइन कंटिन्यू रखूँगा। जो वो डिज़ाइन रिपीट करेंगे कि ये डिज़ाइन मेरे पास रिपीट पर रिपीट ऑर्डर आ रहे हैं, जिस दिन के मेरे पास रिपीट ऑर्डर नहीं आएंगे वो बंद कर दूँगा। थोड़ा सा बनाया जितना भी है, उसके बाद यदि रिपीट ऑर्डर नहीं आ रहे, ये देखिए आज मैं फ्रिल वाली, देखिए कोशिश करके एक डिज़ाइन दो डिज़ाइन लेके आया हूँ, बाकी कोशिश करके फ्रिल वाले डिज़ाइन नहीं लेके आया, रेडीमेड सारीज़ में लेके आया हूँ खाली, कि सारीज़ हैं रेडीमेड हैं ब्लाउज़ के साथ में, सारे डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। अब ये देखिए ब्लाउज़ पे हैंडवर्क का बूटा, सब जो है एंटीक स्टाइल में बूटे इस तरीके से चल रहे होते हैं। ये इसके साथ, हाँ ये बस ये ब्लाउज के साथ दिखा दो, ये बूटा हो गया, ब्लाउज हो गया। अब चॉइस अपनी अपनी, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, हम ये नहीं कह सकते कि हर एक को क्या पसंद है। किसी को वही चीज़ अच्छी लग रही होती है, किसी को वही चीज़ पसंद नहीं आती, डिपेंडिंग ऑन द चॉइस। ये देखिए है सारे इम्पोर्टेड फैब्रिक पे, काफ़ी सारे कस्टमर ने कहा था कि स्पेशली फ्रिल वाली सारीज मत लेके आओ, तो इसलिए मैं विदाउट फ्रिल वाली सारीज दिखा रहा हूँ। ये सरोज की का ब्लाउज इस तरीके से, चौथा बॉर्डर लगा हुआ है, और ये साड़ी
देखो इसमें क्या किया, इसमें फिर से हैंडवर्क का बूटा है, सरवोस्की का देखा है, जिस तरीके से काम होगा जिस तरीके से उसी तरीके से रेंज हो जाती है। ये देखिए बिकता सब कुछ है सर, ये इसमें हाँ ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट तरह की लेसेस, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। एक और चीज़ बनाई जो कई कस्टमर्स ने कहा था, पहले मैंने प्लेन पे दिखाई थी ब्लैक के संग, अभी मैं इसमें कलर में भी बना लिया, डिमांड ज़्यादा आ रही थी। ये इस तरीके का पल्ला हो गया जिस पर फ्रिल डाली है, ये देखिए ये ऊपर फ्रिल हो गई पूरे में, ये पल्ले पे मतलब ऐसे आ जाती है फ्रिल, ठीक है। और ये नीचे फ्रिल वाली साड़ी प्लेन, और इसके संग ब्लाउज प्लेन दे दिया, बड़ा काफ़ी फैब्रिक दे दिया इधर भी, ये देखिए ये फैब्रिक इस तरीके से दे दी, किसी को फुल स्लीव्स में बनाना है या इसके संग कोई प्ले करना है तो वो हो जाता है। और ये जगाड़ के ऊपर ये देखिए पूरे में स्टोन्स लगे हुए हैं, इसमें एक पीच कलर है इस तरीके से बनाया हुआ है, एक मतलब कलर उसमें भी और हैं, उसमें माल आता है आते से पहले ही ख़त्म हो रहा है। एक तो वो बनाया प्लेन के संग, वो एक ये बनाया हुआ है झमझम, मतलब इसको झमझम बोलते हैं, इसके संग ये देखिए इसमें पूरे में ग्लिटर हुआ हुआ है, इसके संग ग्रे के संग ब्लैक, ब्लैक के संग ग्रे, ये सारे पीसेज मेरी ऐप पे मिल जाएंगे। अभी माल ख़त्म हो गया, आते ही माल ख़त्म हो रहा है। और इसके संग ब्लाउज प्लेन दिया हुआ हमने जगाड़ का, जो ये खाली फैब्रिक दिया हुआ ब्लाउज का, इसमें वो नहीं बनाया। तो आइटम्स इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें बना रहे हैं, सब चीज़ें वो हैं। अब जिसकी रिपीट आ रही है, अब जैसे इसकी रिपीट आ रही है तो ये कंटिन्यूस बनाए जा रहा हूँ, जब तक रिपीट आती रहेगी जब तक मैं बनाता रहूँगा। ऑल ओवर इंडिया में 125 करोड़ लोग हैं, और इसके बाद इंडिया के बाहर भी बहुत सारे लोग लेते हैं सारीज, ठीक है। 125 करोड़ पॉपुलेशन में एक डिजाइन की पता नहीं कितनी साड़ियाँ बिक जाती हैं, यू कॉन्ट इमेजिन। पहली बात तो ये सोचिए, ज़रूरी नहीं है सारे डिजाइन चल जाएँ, ज़रूरी नहीं है कि सारे डिजाइन ना चलें। बहुत सारे डिजाइन साल साल दो दो साल तीन तीन साल चलते हैं, और बहुत सारे डिजाइन जरा सा बनाया बनाते उसमें रिस्पॉन्स बढ़िया नहीं आ रहा, शॉपकीपर्स मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे, रिपीट नहीं दे रहे। जो बड़े बड़े होलसेलर्स हैं, अभी मुझसे क्या होता है, सबसे पहले होलसेलर लेके जाता है, हर एक ये ना होलसेल करता है, किसी को कुछ नहीं पता। वो 5-7 पीस चाहिए होते हैं उसके लिए भी होलसेल है, ऐसा नहीं होता। होलसेल का मतलब होता है पर डिज़ाइन 40-40, 50-50 पीस एट ए टाइम वो लोग लेते हैं, एक एक डिज़ाइन के 500-500 1000-1000 पीस बेचते हैं, वो आगे अपने आगे छोटे छोटे शॉपकीपर्स रिटेलर्स को माल देते हैं। मेरे लिए तो सब जने एक बराबर है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए मेरे रेट सबके लिए एक से हैं। वो छोटे छोटे शॉपकीपर्स फिर रिटेल में माल बेचते हैं, एक बात समझिए। मैंने वो सारा प्लेटफॉर्म एक ही जगह कंबाइन कर दिया, होलसेलर लो, स्मॉल शॉपकीपर्स लो, या किसी को पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, रीसेलर चाहिए, ऑनलाइन है, सब जने मुझसे जुड़े हुए हैं, सब जने माल लेते रहते हैं अपना, ठीक है, काम चल रहा है। इससे बहुत सारी चीज़ें बनाता हूँ। खैर आज टॉपिक ऑफ द डे आज का यही है, देखिए नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों में एक बहुत बड़ी बात है जो मैंने उस दिन भी कही थी कि सब लोग, हम लोग देवी जी की पूजा करते हैं, देवी सही बात है, लेकिन देवी जी किसको, छोटी छोटी कन्याओं को हम वो भी करते हैं, पैर छूते हैं 9 दिन, लेकिन क्या हम में से कितने आदमी ऐसे हैं जो प्रण लेते हैं कि हम वास्तव में नारी का सम्मान करेंगे, बेटियों को सम्मान करेंगे, किसी दूसरे की बेटी है तो उसको गलत निगाह से नहीं देखेंगे। उस समय पैर छूना तो बहुत आसान है, पैर छू के ख़त्म गानी, उससे बात बन गई, गलत। और एक मज़े की बात बताऊं जिसके लिए मैंने एक्चुअल में ये टॉपिक लिया, बहुत सारे घरों में काम करने मजबूरी में आते हैं, छोटी लड़कियां आती हैं, आप यार कुछ तो सोचो, यदि पॉसिबल हो, यदि संभव हो तो आप उनको करिए ना, पढ़ाने के लिए कोशिश करिए कि ना हो, बच्चियां तो अपने घर में भी होती हैं, कुछ तो सोचो। लोग उनके संग कई बार इतना मिसबिहेव करते हैं, मैंने देखा है,
ये नहीं कह रहा, कई बार उनमें वो गलत नहीं करती, लेट देम डू व्हाट दे वांट्स टू डू, उनको वो करने दो वो जो करना चाहते हैं, आपको क्या करना है आप ये सोचिए ना। सही नवरात्रों में, नवरात्र मतलब सही महीनों में वही माना जाएगा, उसी की पूजन मानी जाएगी, उसी ने किए होंगे जो नारी शक्ति का सम्मान करे। खास तौर पे ये छोटी बच्ची, मतलब छोटी बच्चियों का क्या, बड़ों का क्या, सबका ही, पहली बात। और छोटी लड़कियों का यदि कोई कहीं पे आप किसी की हेल्प कर सकते हो, यदि हो पॉसिबल है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए पॉसिबल हो या सबके आसपास हो ही इस तरीके से, लेकिन कभी भी ये नहीं होता कि अभी आजकल की बात चलिए, पूरे साल भर में, पूरे साल भर में आपने कभी भी किसी का इस तरह से साथ दे दिया, कहीं पे भी किसी की हेल्प कर दी, तो उससे बढ़िया नवरात्र, उससे बढ़िया देवी जी की पूजा, उससे बढ़िया मतलब कुछ भी नहीं हो सकता। पहले इन चीज़ों पर ध्यान दे दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं, कोई को पूजा पाठ करके, कोई वो करके, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ी कृपा मिल जाएगी। आप वहाँ तो पूजा पाठ करो, कृपा मतलब देवियों हम पे कृपा करो, ऐसे ही है। आप पता चला कर्म क्या है, कर्म तो रोज ये किस्से सुनने में आते हैं, आते ही हैं कि कभी 4-6 महीने की, साल की, 2 साल की, 4 साल की बच्चों के संग रेप हो गया, उठा के ले गए, बदला लेने के लिए कर दिया, क्या फ़ायदा। और ऐसे आदमी जो खुद पूजा पाठ करते हैं बहुत, वो लोग, इसमें एक बात और है, किसी से मतलब नहीं कि हम ये खाली हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं, सिखों के लिए नहीं, ईसाइयों के लिए नहीं, मैं सभी धर्मों से अब यही अपील करना चाहता हूँ, सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ। डजेंट मैटर कि आप क्या करते हैं, आप क्या होती है पूजा या नहीं होती, उस बारे में बात ही नहीं चल रही ना। जिनके होती है उनके लिए तो स्पेशली है ही, जिनके नहीं होती उनसे भी यही है, सम्मान करना सीखो। आपको जो भी सम्मान नहीं करते, जो परिवार, जो समाज, जो देश, जो धर्म इस तरह से सम्मान नहीं करेगा नारी शक्ति का, धीरे धीरे कम या ज़्यादा, मैं ये नहीं कह सकता कितनी जल्दी होगा, कितने टाइम से होगा, लेकिन वो ख़त्म हो जाएगा एक ना एक दिन, 101%। यार आप इस बात पे, मेरी बात पे ना जब भी मैं कुछ कहता हूँ तो उस बात पे विचार किया कीजिए, थोड़ा सा विचार, विचारणीय बात होती है, विचार करो, को सही लगे आराम से बैठ के, रात को बैठ के, कभी भी बिल्कुल अकेले में जब कोई ना हो, सोचो कि क्या करना चाहिए, क्या ये बात सही है, यदि सही है तो उस पर थोड़ा सा अमल करने की कोशिश करो। कहने को तो कोई भी जना बात कर देता, कहता भाई साहब भी करते हो, अमल करो उस पर, यदि आपको लगता है, थोड़ा सा आपको लगता है कि सही है तो उस पर अमल करिए। बाकी वो मुझे सजेशन देना चाहें या कमेंट करना चाहें तो ज़रूर उस पर मुझे नीचे लिख दें ताकि मैं उस पर ध्यान दे सकूँ। बाकी मैं जब कहता हूँ ना मेरी वीडियोज़ को, तो मैंने इसलिए बहुत सारे लोग ऊट पटांग भी कमेंट करते हैं कि शेयर करो, तो उसका पर्पज़ ये नहीं होता, माल माल तो बिक ही रहा है यार, सब काम हो ही रहे हैं, लेकिन इसका पर्पज़ यही होता है जो मेरे मन की बात है वो दूसरों तक पहुंच जाए। बाकी जितने भी नए प्रोडक्ट्स हैं वो तो हम ऐप पे ही अपलोड करते हैं, वहीं इसके थ्रू ही ज़्यादा बेटर और इजीली काम हो जाता है। बाकी इसी तरह प्यार देते रहिए, धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो।